गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जिस तरह की अपनी पंजाब पटवारी दी क्लासेस चल रही हैं, आज थोड़े सामने क्लास नंबर थर्ड रीजनिंग दी लेके आए हैं, जिदा टॉपिक है डाइस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। डाइस दो तरह की होंगी है, एक होंगी है स्टैंडर्ड, एक होंगी है जनरल। स्टैंडर्ड ते जनरल का डिफरेंस की है? अगर अपन जिहड़े फेस शो हो रहे ने, मतलब दिख रहे ने, उन्हां चो किसी दो फेस नूं ऐड करके 7 बन जावे तां उह जनरल डाइस हुंदी है। एंड स्टैंडर्ड कीड़ी हुंदी है? अगर किसी भी दो फेस नूं ऐड करके 7 नहीं बनदा, वह अपनी स्टैंडर्ड डाइस हुंदी है। अगर अपां नूं इह पता लग गया ना वी इह स्टैंडर्ड डाइस है, तां सीधा आंसर है 2 4 1। दो दा ऑपोजिट किहड़ा है? ऑपोजिट मतलब सामने वाला। जदों आपां डाइस नूं छिड़दे आ लूडो दे विच खेड़दे होए, इहदे दो दे सामने वाला जिहड़ा पासा है उह किहड़ा आऊगा, एक दे सामने किहड़ा आऊ? जो स्टैंडर्ड डाइस है तां दोनों दा सम, जिहड़ा सामने वाला है उहदा ते जिहड़ा शो हो रहा आपां नूं उहदा, दोनों दा सम 7 बनना चाहीदा। नाल-नाल वाले दा नहीं, दोनों दे आमो सामने दा। तां दो दे सामने किहड़ी ऐसी रकम होगी जिहदा सम 7 बन जावे? 5। 4 दे सामने 3, 1 दे सामने 6। इस तरीके नाल आपां आमो सामने दे फेस कढ सकदे हां। दूसरी गल जिहड़ी नोट करने वाली है, जिमें कि इस डाइस तो अपन पता लग रहा है, एक चीज़ यह भी याद रखनी है भी जिदा उरे 2 दिता होया, उरे 4 दिता हो रहा, उरे 1 दिता होया, तो 2 4 1 इहदा मतलब यह है भी 2 दे सामने 4 ते 1 कदे भी नहीं होणगे। जिहड़े उत्थे नाल नाल दिते हुए ने अडजेसेंट, वह एक दूजे के सामने कदे भी नहीं होणगे। सिमिलरली अपने कोल 4 दे सामने 1 ते 2 कदे भी नहीं आऊगा, 1 दे सामने 2 ते 4 कदे भी नहीं आणगे। ये डाइस शो करदी है। अगे देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नैक्सट की है, आपां दसना है 4 डाइस दित्तियां होईयां ने, इन्हां दे विचों किहड़ी स्टैंडर्ड डाइस। देखो आ दोनों नूं जोड़ के 7 बन रहा, इस करके यह जनरल डाइस। इन्हां दोनों नूं ऐड करके 7 बन रहा, यह भी जनरल डाइस। यह भी 7 बन रहा, यह भी जनरल है। तां आपणे कोल किहड़ी हैगी? एक आ हैगी, इहदे च किसे दा सम 7 नहीं बन रहा, यह अपनी स्टैंडर्ड डाइस। पहला क्वेश्चन दा यह बनदा। नैक्सट देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है, आपां 6 दा ऑपोजिट दसना किहड़ा फेस होगा, तां उहदे लई की है? आपां चैक करांगे क्या इह स्टैंडर्ड है कि अपनी जनरल है। सब तो पहली गल, किसे दा सम 7 नहीं बन रहा, इहदे च वी इहदे च वी, इस करके इह स्टैंडर्ड है। तां 6 दा ऑपोजिट उह होगा जिहड़ा जोड़ के 7 बनावे, 1। सिंपल क्वेश्चन सीगा। नैक्सट देख, नैक्सट क्वेश्चन है ऑपोजिट टू 6 दसना। पहली गल तो यह है भी 4 3 ते 5 एक दूजे के ऑपोजिट नहीं आएंगे। दूसरी गल, इन्हां दोनों नूं ऐड करके 7 बनता, यह जनरल डाइस है, ठीक है जी। तो 6 का ऑपोजिट केड़ा हो सकता, ठीक है, 6 का ऑपोजिट केड़ा केड़ा हो सकता वह आपां देखना, क्योंकि जोड़ के 7 नहीं बनूगा। तो 6 का ऑपोजिट 3 4 और 5 जो कोई भी हो सकता, यही अपना आंसर है। नैक्सट देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है अपना, 2 डाइस दी हुई ने, ऑपोजिट कढ़ना हर एक का। एग्जाम च तो आपां नूं एक पूछा जाऊगा भी एक किसी भी एक का ऑपोजिट दसो। तुसीं देखना की है, ये जिहड़ी टाइप इहदे विच है 1 पॉइंट इज कॉमन, दोनों दे विच एक पॉइंट कॉमन होगा, जिस तरह इत्थे दोनों दे विच 6 कॉमन है। तो आपां करना की है, जिहड़ा कॉमन पॉइंट है उत्थों क्लॉकवाइज लिखना। क्लॉक अपना इदां चलदा हुंदा, तो जिवें क्लॉक चलदा 6 पहलां 6 लिखिया, फिर क्लॉकवाइज अगला नंबर 3 दा, फिर अगला नंबर 2। सिमिलरली इधरों क्लॉकवाइज पहला 6 फिर 4 फिर 1। इहदा मतलब यह है 3 का ऑपोजिट 4 है, 2 का ऑपोजिट 1 है, तो जिहड़ा रह गया वह 6 का ऑपोजिट है 5। इस तरीके नाल आपां सारे ऑपोजिट कढ सकते हैं अगर दोनों दे विच एक पॉइंट कॉमन होवे। नैक्सट देखते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, फिर सेम क्वेश्चन है, दोनों दे विच एक पॉइंट कॉमन है 5 5, तो क्लॉकवाइज लिखना शुरू किया 5 2 6, इधरों आ गया 5 1 3। आपां नूं उहने पुछिया 3 दा ऑपोजिट, तो 3 दा ऑपोजिट है 6। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं।
नैक्सट क्वेश्चन है जिदे विच दो पॉइंट कॉमन है इत्थे 3 ते इधरों उरे 1 कॉमन है ना ये छड़ दांगे जिहड़े बच गए 5 ते 6 एक दूजे दे ऑपोजिट ने तां रह केड़ा गया 1 ते 3 1 ते 3 दे ऑपोजिट होणगे जां 2 जां 4 जिहड़े रह गए इस तरीके नाल ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नैक्सट देखते हैं इस क्वेश्चन च की है सारी फिगर्स नूं देख के आपां ऑपोजिट नंबर लभणे ने हर एक दे जिवें 3 दा ऑपोजिट की है 4 दा की है 5 दा की है इदां आपां देखांगे जिवें आपां बी ते सी पहलां बी दे अकॉर्डिंग देखिए तां 3 दा ऑपोजिट ना तां 1 होऊगा ना 5 होऊगा सिमिलरली 3 दा ऑपोजिट 4 भी नहीं होऊगा 3 दा ऑपोजिट 6 भी नहीं होऊगा तां एक नंबर बचिया 3 दा ऑपोजिट आ गया 2 पहली गल दूजी गल आ गई जे इन्हां दोनों नूं कंपेयर करिए उरे तां इत्थों देखो 2 सेम ने तां ओह रूल दे अकॉर्डिंग 1 दा ऑपोजिट 4 आ गया तां 1 रह गया 5 5 दा ऑपोजिट 6 इस तरीके नाल आपां ऑपोजिट फाइंड कर सकदे हां। नैक्सट क्वेश्चन देखदे हां लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप दा ओपन डाइस एक डाइस नूं जदों ओपन करदे हां इस तरह दी शेप हो जांदी है तां सब तों पहली गल इहनूं सॉल्व किद्दां करना देखदे हां स्टार्ट इत्थों करना इत्थों नहीं स्टार्ट करना एक स्किप करना 3 दा ऑपोजिट 1 आ गया नैक्सट अपना 5 दा ऑपोजिट 4 आ गया एंड 2 दा ऑपोजिट 6 आ गया पहली गल तां आपां नूं ऑपोजिट पता लग गए सारे तां इह जिहड़े ऑपोजिट है इहदे अकॉर्डिंग किहड़ी डाइस परफेक्ट है किहड़ी सही है देखदे हां इह कहिंदा वी 3 दा ऑपोजिट 1 है पहली डाइस कहिंदी है 1 ते 3 ऑपोजिट कदे नहीं हो सकदे तां गलत हो गया ए कहिंदा 5 दा ऑपोजिट 4 है इत्थे कहिंदा 5 दा ऑपोजिट 4 कदे हो नहीं सकदा ए कहिंदा 2 दा ऑपोजिट 6 है ए कहिंदा 2 दा ऑपोजिट 6 हो नहीं सकदा इस करके इह अपना आंसर है। इस तरीके नाल जिहड़ा डाइस दा टॉपिक अपना कंप्लीट हुंदा अगर तुहानूं वीडियो वधिया लगी होवे प्लीज़ वीडियो नूं लाइक करियो चैनल नूं सबसक्राइब करियो एंड शेयर करियो थैंक यू बाय।